हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे हनी बनी के चैनल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हम टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के हिसाब से रैबिट को अलग तरीके की केयर चाहिए होती है, अलग तरीके का डाइट चाहिए होता है। तो हम उसी कुछ टिप्स के बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इनका केज क्लीन कर देना है, और ये इनका केज क्लीन हो चुका है। केज क्लीन करने के बाद हम जो इनको पानी देते हैं उसके अंदर हमें 1 से 2 आइस क्यूब डाल देना है, जिससे इनका पानी ज़्यादा गर्म ना हो। नॉर्मली ह्यूमन के हिसाब से रैबिट की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्म होती है। और हम जो भी इनको वेजीज देते हैं उसको हमें देने से पहले एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लेना चाहिए। गर्मियों में रैबिट को मेथी खिला सकते हैं, बट वीकली एक बार बस, ज़्यादा नहीं। और आप रैबिट को बनाना खिला सकते हैं, पपाया खिला सकते हैं, और कैरेट खिला सकते हैं, और वाटरमेलन खिला सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं रैबिट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और उनके लिए हेल्दी भी होती है और ज़्यादा मीठी नहीं होती है, तो आराम से वो खा सकते हैं। समर्स के लिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है ये सारे फ्रूट्स। आप नॉर्मली एक और काम कर सकते हैं, आपके जो रैबिट है उसके कान के पीछे अगर आप अपना हाथ से फील करोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, तो आप ठंडे पानी से एक टॉवल को डिप करके उसको वेट करके अपने रैबिट के कान के पीछे से एक बार पोंछ दीजिए, जिससे आपके रैबिट को ठंडा फील होएगा। हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।